अमिता किचन में आपका वेलकम है। आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी का कोफ्ता। अगर ये हमारा डिश पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपने गोभी के बहुत सारे डिशेज खाए होंगे, गोभी मटर की सब्ज़ी, गोभी आलू की सब्ज़ी और बहुत सारे सब्ज़ी, गोभी के पराठे। आज हम गोभी के कोफ्ते बना रहे हैं, इसे भी आप ट्राई करके देखिए। इसके लिए हमने 500 ग्राम गोभी लिया है, इसके हमने कीड़े देख लिए हैं और इसे अच्छे से धुल लिया है। अब हम इसे कद्दूकस करेंगे। इसे हम इस तरह से कद्दूकस करेंगे। आप इसे पीस के भी डाल सकती हैं या छोटे छोटे टुकड़े करके भी डाल सकते हैं। इस तरह से हम सारे गोभी को कद्दूकस कर लेंगे। देखिए जिससे एकदम छोटे छोटे हो जाएंगे। हमने यह प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और अदरक लिया है। प्याज को हमने बड़े बड़े टुकड़े काट लिए हैं इस तरह से। इसका हम पेस्ट बनाएंगे। ये हमने आधी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे। आधा चम्मच जीरा लिया है, आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप और भी डाल सकते हैं। ये हमने 100 ग्राम बेसन लिया है। ये गोभी हमारा कद्दूकस हो गया है। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, जीरा डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर कलर लाने के लिए, और हम इसमें बेसन डालेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे। इसे हम मिक्स करेंगे अच्छे से। इसे हम हाथ से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी बहुत कम ही यूज होगा। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। इसे हम अच्छे से इस तरह से गूंथ लेंगे। हमने हरी मिर्च और हरी धनिया भी डाल दिया है। अब हम थोड़ा से हाथ में ऑयल लगाएंगे और इसके बॉल बनाएंगे इस तरह से छोटे छोटे। ये देखिए, आप इसे चपटा भी बना सकती हैं, लंबा बना सकती हैं, किसी भी शेप में बना सकते हैं। इसे हम गोला बना रहे हैं। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। हमारे सारे बॉल बनके तैयार हो गए हैं। तेल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, तब तक हम ग्रेवी की भी व्यवस्था कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक प्याज को बारीक काट लिया है, आधा बाउल हमने हरी मटर लिया है। ये हमने प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट बनाया हुआ है। नमक हम स्वादानुसार डालेंगे। ये हमने 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, इसमें हमने थोड़ा सा मीट मसाला भी डाल लिया है, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च और आधी छोटी चम्मच ये हमने गरम मसाला लिया है।
आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, ये हमने कटा हुआ हरी धनिया लिया है, दो टमाटर की हमने प्यूरी बना लिया है। कढ़ाई में हमने तेल डाला हुआ है, तेल हमारा गर्म हो रहा है, तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें ये बॉल डालेंगे जो हमने बनाया हुआ है, गैस को हमने एकदम मीडियम किया हुआ है। हाई फ्लेम पे इसे हम नहीं बनाएंगे क्योंकि ये बाहर से तो हो जाएगा लेकिन अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। अब इसे हम 5 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे जिससे हमारा अच्छे से पक जाए। ये हमारा हो गया है, इसे हम पलटेंगे। ये हमारा बहुत ही टेस्टी सब्जी बनता है, आप ट्राई ज़रूर करिए। ये हमारा हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। और हम इसमें ये इसमें हम और डाल देंगे। ये हमने सारे बॉल फ्राई कर लिए हैं, अब हम इसका ग्रेवी बनाते हैं। एक कढ़ाई में हमने 2 चम्मच सरसों का तेल डाला हुआ है, तेल हमारा गर्म हो रहा है। अब हम इसमें जीरा डालेंगे, जीरा हमारा चटक गया है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, प्याज को हम हल्का ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें पेस्ट डालेंगे। अब हमने इसमें प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब हम इसमें मसाले भी डाल देंगे, ये हमने गरम मसाला डाल दिया, ये कश्मीरी मिर्च, लाल मिर्च, मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, ये धनिया पाउडर, ये हल्दी पाउडर, हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे हमारे मसाले अच्छे से पक जाएं। और हम फ्लेम को एकदम लो रखेंगे। मसाले हमेशा लो फ्लेम पे ही भुने जाते हैं। हम इसे धीमी आंच पे थोड़ी देर अच्छे से भून लेंगे जिससे हमारे मसाले अच्छे से पक जाए। मसाला हमारा अच्छे से पक गया है, अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डालेंगे। और इसमें हम हरी मटर डालेंगे और इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे। मटर भी हमारा थोड़ा से टेस्टी हो जाए। ये हमारा पक गया है अच्छे से, हम इसमें पानी डालेंगे।
इसको आप पानी आप अपने अनुसार डाल सकती हैं, पतला या गाढ़ा ग्रेवी जैसा भी बनाना हो। ये हमने थोड़ा पतला ग्रेवी ही बनाया है, अब ये पकने के बाद गाढ़ा हो जाएगा। अब हम इसमें नमक डालेंगे, और इसे हम 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे, जिससे ये हमारा अच्छे से पक जाए। अब ग्रेवी हमारा अच्छे से पक गया है, ये देखिए। अब हम इसमें ये गोभी के जो बाल बनाए हैं उसे डालेंगे। और इसे हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे, जिससे हमारा अच्छे से पक जाए। अब ये हमारा अच्छे से हो गया है, अब हम इसमें हरी धनिया डालेंगे। हमारा गोभी का कोफ्ता बन के तैयार हो गया है, ये देखिए, बहुत ही टेस्टी बना है। अब आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।